हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो क्रोमा टोन्स कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाना सिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग करना सिखाऊंगा, कैसे पूरे वीडियो को कंप्लीट करते हैं उसके बारे में मैं आज आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो गाइस, जिन्होंने भी इस क्रोमा टोन्स के कई सारे वीडियोज़ देखे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सीख रखा है, बट कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हर एक वीडियो में पूरा नहीं देख पाते हैं आप लोग, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा। और आपने जहां तक देख रखा है, जहां तक सीख रखा है, आप उसके बाद वीडियो को स्किप कर करके भी अपने पॉइंट का चीज़ को आप देख सकते हो। अब अपने पॉइंट्स का चीज़ देखना, और आपको जहां भी प्रॉब्लम लगता हो, जहां पे आपने कई वीडियोज़ देखा हो जो सीख ना पाए हो, आप मेरे वीडियोज़ को देख करके आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सीख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए चलिए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग क्रोमा टोन्स का यूज़ करके वीडियोस बना सकते हैं, मूवीज़ बना सकते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का जब इंटरफेस खुल के आ जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चूँकि सारा पॉइंट्स यहाँ से ही स्टार्ट होता है। इसको मैंने जस्ट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन खुल करके आ गया, इस तरीके का ऑप्शन आ गया। आप यहां सबसे ऊपर में ही देखोगे कि यहां पे लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट रिकॉर्डिंग टाइप वन इफ़ यू हैव ओपन्ड एप्लीकेशन मिनटू से एप्स यूजिंग। तो आपको जो रिकॉर्डिंग मोड रखना है वो सीटी रिकॉर्ड REC टाइप वन रखना है, और यहां पे देखिए टू भी है, यहां पे वन भी है। तो मैं चूँकि अभी एप्लीकेशन दूसरा वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टू पे सिलेक्ट कर लूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वन टू कैसा दिखता है। आपको देखिए वन एंड टू का जो एप्लीकेशन है, बस वन एंड टू का जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका जब एप्लीकेशन ये वाला डाउनलोड करोगे ना, तो आपको एक साथ दो दो एप्लीकेशन मिल जाता है। तो मैं दूसरे यहाँ पर दूसरा सिलेक्ट कर लिया। ये जब सिलेक्ट हो जाता है तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको बाई डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर्स इस तरीके से मिल जाते हैं। तो इसमें से अब आपको करना क्या है कि आपको जो भी कैरेक्टर को रखना है, आप उस कैरेक्टर को यहाँ पे यूज़ कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सारे कैरेक्टर्स को मैं नन कर देता हूँ। सारे कैरेक्टर आप देख रहे होंगे कि सारा कैरेक्टर जो है वो हट गया। अब हमारा बिल्कुल कैरेक्टर जो है सारा गायब हो चुका है, और बिल्कुल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप करना क्या है कि यहाँ पे देखिए, जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट बैकग्राउंड। आप यहाँ से चाहे तो किसी बैकग्राउंड को, जो भी आपने बैकग्राउंड रखा हो, उस बैकग्राउंड को यहाँ से आप उठा सकते हैं। बहुत सारा बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। तो मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस बैकग्राउंड में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो हमें कैरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ लेफ्ट साइड में सेकंड पे आपको दिख रहा होगा कुछ कैरेक्टर इस टाइप का, तो उस कैरेक्टर्स को मैं यहाँ से उठाता हूँ। तो यहाँ पे एक कोई सा भी कैरेक्टर को उठा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तांत्रिक को उठा लेता हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया, इसको यहाँ लेके गया, और इस पर जब हम लोग जब पुश करते हैं तो देखिए यह मूवमेंट अपना करता है, ठीक है। इसको यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, अब इस कैरेक्टर को अब मैं कुछ एक्शन करवाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि इस कैरेक्टर को मैं बैठा दूं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा आइडल, डिफ़ॉल्ट मूव जो है वो आइडल पे है, और यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्शन करने के लिए कि क्या क्या आपको करवाना है अपने कैरेक्टर के साथ। तो यहां बहुत सारा है, तो ये एक छोटा सा डेमो है। आप यहाँ से कैरेक्टर, कोई सा भी कैरेक्टर अपना ले करके उस तरीके से आप काम करवा सकते हो। तो मैंने इसको सीट करवा दिया और तरीके से बैठ गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मूव का ऑप्शन है, नीचे में जो येलो दिख रहा है यहाँ पे मूव है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बैठा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड कैरेक्टर को लेता हूँ, यहाँ से सेकंड कैरेक्टर को ले लेता हूँ मैं, इस लेडीज़ को ले लेता हूँ जो कि सासू माँ है। अब इस सासू माँ का जो फेस है वो है किसी दूसरे की तरफ, और ये जो तांत्रिक बैठा है ये है किसी दूसरे तरफ। तो इस फेस को हमें तांत्रिक की तरफ घुमाना, वो क्या करना होगा, ये प्लस बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे राइट साइड के बिल्कुल कॉर्नर में आपको एक फ्लिप दिख रहा होगा। इस फ्लिप पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये लेडीज़ जो है इधर आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इस लेडीज़ को यहाँ से यहाँ तक ले करके आऊँगा, और ये कुछ बोलते हुए यहाँ पे आएगी, ठीक है। और इस तांत्रिक को मैं अभी, तो ये फ़ोन पे बात कर रहा, तो मैं इसको फ़िलहाल अभी
फ़ोन पे बात ना करा के नॉर्मल इसको मैं सीट करवा देता हूँ पहले, ठीक है ना। देखो कोई भी कैरेक्टर बनाने से पहले, कोई भी मूवीज़ बनाने से पहले आपको इमेजिंग कर लेना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का वर्क करवाना है, ठीक है ना। किस टाइप का आपका कैरेक्टर है, किस तरीके का वीडियो है, वो कैरेक्टर आपको इमेजिंग कर लेना पड़ेगा। तो अभी ये चुपचाप बैठा है, अब ये लेडीज़ जो है यहाँ से उठ करके इसके पास आएगी, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको स्टार्ट करवाते हैं। तो अब करना क्या होगा कि इस लेडीज़ को मैं चाहता हूँ कि ये बोलते हुए इस तांत्रिक के पास जाए, तो वो मैं क्या करूँगा, इस सेम डिफ़ॉल्ट वाले मूवी पे जैसे मैंने तांत्रिक के लिए सिलेक्शन किया था, एक्शन मूवमेंट किया था, वहाँ से भी यहाँ से भी बिल्कुल वही काम करूँगा। तो यहाँ से मैं जस्ट स्क्रॉल करके जब थोड़ा सा नीचे आऊँगा, नीचे आता हूँ तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉकिंग वाइल वॉकिंग, टॉकिंग वाइल रनिंग, इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉकिंग वाइल वॉकिंग कर देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक आएगी इससे कुछ बात करते हुए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको स्टार्ट करवाते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आए तो इसके लिए भी एक छोटा सा सेटिंग करना होता है, जो कि बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है। यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग का एक बटन दिख रहा होगा, इस बटन पे जा करके यहाँ पे शो की फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, हम लोग इसको जितना ही मूव कराएंगे बस वो चीज़ हम लोग को यहाँ से इसको सिलेक्ट करते जाना। तो कैसे करते हैं चलो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा कैरेक्टर को और इंटरेस्टेड बनाने के लिए क्या करेंगे, इस लेडीज़ के हाथ में हम लोग कुछ, अगर हम लोग चाहते हैं कुछ देना चाहता है, अगर ये बहुत लेडीज़ बहुत गुस्से में है और तांत्रिक के पास जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करते हैं ये ऊपर में ही यहाँ पे टोपी और आपको चश्मा दिख रहा होगा, जब हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है कि आप लेडीज़ के हाथ में क्या देना चाहते हैं। तो लेडीज़ के हाथ में अगर मैं ये बेलन दे दूँ, देखो कार्टून है, फ़नी होता है, इसको दिल पर ले लेना है, ये बस फन है, जैसा फन इसको आप बना सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर रिकॉर्डिंग अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मूव करवाएंगे थोड़ा सा, इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लास्ट से, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसा लेडीज़ को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, थोड़ा सा लेडीज़ को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे लेडीज़ को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे जा करके इसको फिर प्लस करेंगे, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अभी होल्ड पे अब ये बात करेगी, तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, अब सिर्फ ये टॉकिंग करेगी। तो टॉकिंग करने के लिए हम लोग जब थोड़ा सा फिर से स्क्रॉल करेंगे, नीचे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमें सिर्फ टॉकिंग करने वाला मोमेंट यहाँ पे एक्शन कहाँ पे मिल रहा है। तो थोड़ा सा जब नीचे करते हैं, टॉकिंग वाइल वॉकिंग, टॉकिंग होल्डिंग प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे, तो देखिए अब ये बोल रही है, जब ये हमने क्लिक किया, जब इसका मूवमेंट जेट किया, तो एक बार प्लस आप पे जरूर क्लिक करके इसका एक फ्रेम कंप्लीट कर देना है। जब ये हो जाता है, जब ये इनका कहना ख़त्म हो जाता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करने से पहले हम लोग पहले देख लेंगे कि हमने जो वीडियो बनाया है वो हमारा कैसा लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे आपको एक प्ले का बटन दिख रहा है, जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से ये बोलती हुए इसके पास आ रही है, और आ करके ये अपना बोलना चालू कर रही है। तांत्रिक जस्ट बैठा हुआ है अभी, ये जब आपको लग जाए कि हाँ बिल्कुल सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन पे सिंपली इसको क्लिक कर देंगे। जब हम रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कैंसिल एंड स्टार्ट का, तो हम यहाँ तक हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। जब हमने देख लिया कि हमारा वीडियो बिल्कुल सही चल रहा, तो हमें करना क्या है, बस ये रिकॉर्ड वाले बटन पर हमें सिंपली सा क्लिक करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब हम रिकॉर्ड पर डालेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे में आपको क्रोमा टोन्स दिख रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका वीडियो, जो भी आपने ये वीडियो बनाया है, वो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाता है। अभी ये मेरे पास ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा चूँकि मेरा ऑलरेडी सारा सेटिंग जो है वो गैलरी में किया हुआ है, इसलिए वो मुझे वहाँ पर नहीं दिखा। अब ये जब कंप्लीट हो जाता है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर दूसरा क्लिप स्टार्ट करना है। तो दूसरा क्लिप स्टार्ट करने के लिए ये जितना भी हमने इस पर वर्क किया, इन सब वर्क को हमें बिल्कुल फिनिश कर देना है, बिल्कुल इनको ख़त्म कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जीरो हो गया,
ये इस लेडीज़ को मैं अब मैं क्या करूँगा, अब इस लेडीज़ को मैं चुपचाप कर दूँगा बिल्कुल। अब मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे एडल पे ला करके रोक देता हूँ। ये यहाँ पे आ गई, अब मैं क्या करूँगा, अब इसका काम स्टार्ट होगा। अब ये मार खाएगा या फिर क्या होता है, अब हम लोग वो करते हैं। अब इसका मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल प्लस आइकन पे क्लिक करना है और इसको फिर मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसके लिए कौन सा कैरेक्टर सही रहेगा। तो अभी ये तांत्रिक का कुछ इस तरीके का कुछ हाल है। मैंने थोड़ा इसको सेट कर दिया तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। ये जब मैंने सिलेक्ट किया, एक तो हमें यहाँ पे अब हम मुझे क्या करना है, अब इसके लिए एक फ्रेम बना देना है। मैंने इस तरीके का फ्रेम बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ बोले। तो अब मैं बोलने के लिए क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसके नीचे जाऊँगा, सेकेंड वाले मूव वन पर जाऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ इसको बोलने के लिए कहता हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जब ये कुछ बोलेगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से थोड़ा सा जब नीचे करेंगे, सिटिंग टॉकिंग नहीं चलेगा, स्लीप टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, ये चूँकि अभी बंदा सेड है, तांत्रिक अभी सेड है तो ये चुपचाप से कुछ बोलेगा। टॉकिंग होल्ड प्रूफ वन, ठीक है। तो अब देखो अब ये बोलना चालू कर रहा है, तो हमें इसको फिर से मैं प्लस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसको देखता हूँ कि ये बंदा कैसे अब उठता है और कैसे अब बोलना चालू करता है। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से बटन पे क्लिक करता हूँ, प्ले बटन पे। देखिए ये अभी कुछ कह रहा है, कहने के बाद अभी बिल्कुल शांत है। अभी इस तरीके से देखो कुछ कह रहा है मायूस होकर के। ये जब कम्प्लीट हो जाता तो हमें इस पर क्या करना है, फिर से रिकॉर्ड वाले पे बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब ये इस तरीके से कुछ मूवमेंट अपना कर रहा है और ये लेडीज़ कुछ इस तरीके से अपना कर रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रोमा पे क्लिक करके इसको मैं क्रोम पे जब क्लिक करूँगा तो हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट डाउनलोड हो करके तैयार है। इसी तरीके से आपको अभी क्या करना है कि इसी तरीके से आपको जिस तरीके का कैरेक्टर चाहिए उस तरीके का कैरेक्टर आपको यहाँ से बिल्कुल उठाना है, उस तरीके से आपको डालना है। बैकग्राउंड में आप चाहे तो इसको अपना ब्लू स्क्रीन वाला जो बैकग्राउंड चल, जैसे हम लोग ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा जूम करना तो जूम करने के लिए यहाँ पे इस टीवी वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग इसको इस तरीके से जूम करेंगे तो देखिए इस तरीके से जूम होता है, इस तरीके से आता है। जब होता है ना कि कभी थंडरिंग हम लोग करते हैं तो कभी ज़्यादा गुस्सा में है, हमें कभी इसको दिखाना है ये कह रही है, कभी हमें इसको दिखाना है ये चुपचाप है बंदा, इस तरीके से दिखाने के लिए भी आप अपना तैयारी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने भाई को लाइक सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके का ट्रिक्स लेकर के आता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।